हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आ गए हम लोग पहाड़ के बीचों बीच आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ आ गया है और हम लोग बहुत करीबी हैं पहाड़ के। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे, देखते होंगे, देखिए यही है पहाड़। इसके ऊपर सिर्फ घास सब रहता है, पेड़ सब लगा रहता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये क्या है क्या नहीं भाई, लेकिन ये पेड़ सब रहता है और बहुत बड़े बड़े पेड़ सब रहता है भाई। हाँ, इसलिए तो चलिए फिर भी हम लोग जाते हैं। इधर रास्ता बना हुआ है तो रास्ते से होकर जाएंगे और कहीं पे रुकेंगे, फिर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग बहुत ही करीबी आ गए हैं पहाड़ के। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है, डेंजर पहाड़ है, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए बताते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं यार कितना चढ़ाया है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत दिक्कत हो रहा है यार गाड़ी को चढ़ने में। गाड़ी के साथ फट जाता है यार, इतना दिक्कत हो रहा है पहाड़ पर चढ़ने में। पहाड़ पे हैं अभी, ठीक है, पहाड़ वाला रोड है, पहाड़ी वाला रोड है। काफ़ी ऊँची गाड़ी कितना आवाज़ करता हुआ, आप लोग साउंड से ही पता कर सकते हैं कि कितना ऊँचाई पड़ता है। और देख सकते हैं ना, जंगल ही जंगल है, जंगल बीच रोड है, जंगल ही जंगल है। पहाड़ पर गाड़ी चला ले इंश्योरेंस भ गल बुझे लाइसेंस तुरंत बन जाए गाड़ी के। अच्छा, गाड़ी पहाड़ पर तो कन्हे कन्हे अथी रह अथी कभी कैसे गुराम कृष्ण भैया बड़ अंक है गाड़ी मोटरसाइकिल काठमांडू का भी रास्ता रहता है। जैसे कि देखिए कितना बड़ा पहाड़ है यार, डेंजर। क्या हुआ? गाय घाट देखिए ये लोग घाट से डरना रहा है, कांवड़े से ये लोग आ रहे हैं सब आदमी। एक नंबर लगा लिए, एक नंबर लगा ले, दो नंबर खूब पेड़ खत्म। आना से भगल तो टेंशन नहीं, वो चाय पाँच रख बोली बाबा, जय हो जय हिंद। अरे टेंशन नहीं ले रहा तुम, तुम्हार गाड़ी और मुरियाल ब्रेक सटे है। यार देखिए पहाड़ का रास्ता है यार, तो मैं तो मुरिया आ गई हो, अगर गाड़ी लगा ब्रेक और सटे हो अंदा दो। देखते हैं आप लोग पहाड़ के बीचों बीच आ गए हैं और बहुत सारा पहाड़ टप भी गया। देख सकते हैं तीन टा पहाड़, तीन को पहाड़ टप गए हैं, बाकी बहुत बाकी अभी छह सात गो टप पहाड़ टप टप करेंगे, यानी पार करेंगे। उसके बाद कांवड़े आता है जो कि वहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए सब जाता है। और ये देख सकते हैं आप लोग पहाड़ को काट करके ना रास्ता बना गया है, देख सकते हैं आप लोग, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, देखिए कितना बड़ा घना जंगल है। अगर अकेले आप आओगे ना भाई तो बहुत डर भी है, कहीं जानवर सब आपको खा भी सकता है, इसीलिए आप कभी भी ऐसा भूल मत करना जो अकेले इधर आना आप लोग। और जब भी आते हो ना तो आप लोग तीन चार आदमी के साथ में आओ तब अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई आपका जान का खतरा है। ठीक है, देख सकते हैं कितना घना जंगल है भाई, देख सकते हैं। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ यार इधर आने में, लेकिन क्या करें, आप लोगों का बस दिखाने के लिए बस ये है। तो आप लोग अपना लाड़ प्यार देते रहिए अपने भाई को, और अपने प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे शेयर कीजिए। यार इधर बहुत सारा घना जंगल है क्या, और इधर ये गाड़ी सब जो है ना सक्सेस नहीं है, तो इस बाइक से उधर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग अभी आप यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। और फिर अगर आएंगे या तो पल्सर या अपाची लेकर के आएंगे तभी उधर जा सकते हैं।
वैसे इस गाड़ी को लेकर के हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर रास्ता में ये कहीं बंद हो गया तो ऊपर से गिरेंगे तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को रिटर्न टाइम अगर दूसरा टाइम आएंगे तो पक्का जाएंगे हिमालय की चोटी पर जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ पे बर्फ सब है, जहाँ झरना है, झरना से जहाँ पानी गिरता है ना, आकाशगंगा जिसको बोला जाता है। अब दूसरा वीडियो आएगा तो उसी पर आएगा जब नेपाल आएंगे तब। तो तब तक आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ और देखते रहिए, मनोरंजन लेते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।